नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं YouTube पर वीडियोस कैसे अपलोड करें, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जिनको मतलब जिन्होंने अभी रिसेंट में अपना यूट्यूब पर जर्नी स्टार्ट किया है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाते हैं, लेकिन अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, अपलोड करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का पता ना होने के कारण हमारे क्या होता है, यूट्यूब की वीडियो पे रीच ज़्यादा नहीं पहुंच पाती। मतलब व्यूज़ आते हैं, 2, 4, 10, 5 व्यूज़ आके रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले हमारे वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करने के मतलब पोस्ट करने के तरीके से हम जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है। उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमको कंसीडर करना होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको कंसीडर करना होता है। तो उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर होता है दोस्तों, होता है वीडियो का टाइटल। वीडियो का टाइटल कैसा होना चाहिए? वीडियो का टाइटल सबसे पहले, आपका वीडियो का टाइटल, आपकी वीडियो में जो कंटेंट है, जिस बारे में आप वीडियो बना रहे हैं, जिस कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हैं, वो रिलीवेंट होना चाहिए। लाइक टाइटल आप ऐसा रखें, डिस्क्रिप्टिव टाइटल रखें, जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करे। वहाँ पे यूज़र लाइक उसको टाइटल को देख के ही यूज़र वहाँ पे वीडियो देखने की इच्छा जताए कि हाँ, इसमें कुछ काम की इन्फॉर्मेशन उसको मिलने वाली है। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन का। वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमेशा डिटेल्ड में होना चाहिए। आप वीडियो की सारी जानकारी, जो भी आप जिस बारे में वीडियो बना रहे हैं, वो सारी जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालें, इंक्लूडिंग जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स भी आप वीडियो में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें ज़रूर डालें। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालने से क्या होता है दोस्तों, रैंकिंग में हमें हेल्प मिलती है कीवर्ड डालने से। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टैग्स। टैग्स होते हैं दोस्तों, हमको जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो हमको टैग्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में भी बताऊँगा, जहाँ से आप जिस कैटेगरी की भी आप वीडियो बना रहे हैं, वो आप टाइटल या कीवर्ड वहाँ पे डाल के आप वहाँ से टैग्स भी, आपको बहुत सारे सजेस्टेड टैग्स मिल जाएंगे। तो आपको खुद से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 से 3 टैग्स डालेंगे तो आपको रिलीवेंट जितने भी टैग होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप उनको अपनी वीडियो में डाल सकते हैं। इससे भी हमको रैंकिंग में बहुत बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वीडियो का थंबनेल। थंबनेल दोस्तों आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी वीडियो पे अगर रीच पहुंचती है तो थंबनेल के थ्रू उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि थंबनेल जो आपको रखना है, आपको थंबनेल ऐसा रखना है दोस्तों, आई कैचिंग थंबनेल होना चाहिए, जिससे कि यूज़र देख के, मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए थंबनेल पे, आपको इस तरीके से कुछ क्रिएट करना है कि बंदा, यूज़र मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के आप दोस्तों, ये 3-4 फैक्टर होते हैं, इनको आप कंसीडर करके वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, आपको लाइव प्रूफ में दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो हम यहाँ पे सीधा जाते हैं, यूट्यूब पे हम जाते हैं, यूट्यूब का ऐप हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हमको दोस्तों ये इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, पोस्ट, लाइव, शॉर्ट्स और वीडियोस। तो हमको वीडियोस पे क्लिक करना है। अगर हम शॉर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो हमको शॉर्ट्स पे क्लिक करना होगा। वीडियोस के लिए हमने यहाँ से कोई भी एग्जांपल के लिए हम कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं, जैसे कि हमने ये वीडियो उठाया। अब करना क्या है दोस्तों, वीडियो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके के वीडियो आपका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हमको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपके डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा विजिबिलिटीज़। ये विजिबिलिटी हमको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो यहाँ पे हमको अनलिस्टेड ही रखना है, प्राइवेट या पब्लिक इसको ना कीजिएगा, या प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, बट आप अनलिस्टेड इसको रखिएगा। पब्लिक आप तब कीजिएगा जब आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी ये अनलिस्टेड कर रखा है। अब यहाँ पे हम वीडियो का टाइटल डालते हैं। तो टाइटल में हम क्या डालेंगे, जैसे कि कैसे अपलोड करें, इस तरीके का दोस्तों हमको टाइटल बना लेना है। साथ में आप क्या कर सकते हो, अपने चैनल का नाम मेंशन कर सकते हो, या फिर हैशटैग करके डाल सकते हो।
जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हम क्यों क्या करना है, अब डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टाइटल को कॉपी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके हमको यहाँ पे पहले ही अपना टाइटल है वो ज्यों का तो पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में जिस बारे में भी हम वीडियो पे बताना चाह रहे हैं वो हमको डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताने के, दोस्तों आपको इस वीडियो में हम यूट्यूब पे अपलोड करना वीडियो सिखा रहे हैं कैसे हम अपलोड कर सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में आप आपके कोई भी वीडियो का लिंक रख सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के लिंक्स, जो भी ज़रूरी लिंक्स है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जितना डिटेल में हो सके आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में हम चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा। बैक आते हैं, बैक आने पे दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ऑडियंस। ऑडियंस पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा येस इट इज़ मेड फॉर किड्स और नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। अगर दोस्तों आप कोई बच्चों से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं, किड्स के जैसे बच्चों के रिलेटेड वीडियो होते हैं, कार्टून वीडियो या ऐसे कुछ अगर आप बनाते हैं तो आप इसको येस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिएगा। ये होता है इसलिए दोस्तों ताकि आपका वीडियो वो है वो बच्चों को दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, मतलब वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं है। तो दोस्तों हमारे YouTube टिप से रिलेटेड वीडियो है तो बच्चों के लिए नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो हम इसको नो कर देंगे। एज रिस्ट्रिक्शन हम नो कर देंगे, अपलोड कर देते हैं। बाकी जो हमारा काम होगा वो YT स्टूडियो पे होगा, YouTube स्टूडियो पे। अभी यहाँ से हमने इतना कर दिया इसको, ये वीडियो अपलोड हो रहा है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों YT स्टूडियो में, YouTube स्टूडियो का ही ऐप है। अब YT स्टूडियो में आएंगे तो बाकी की डिटेल हमको यहाँ से भरनी होंगी। दोस्तों YT स्टूडियो में आप आ जाएंगे तो आपको आना है सीधा कंटेंट पे आना है हमको। जो हम यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है वो हमारा लेटेस्ट वीडियो ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आ रहा है हमारा, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों टाइटल हम डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन हम डाल चुके हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मोर ऑप्शन का, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों टैग्स का। अब हमको यहाँ पे अपने टैग्स डालने हैं, टैग्स डालने, टैग्स कैसे होंगे, इस तरीके के हम टैग लगा देंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टैग्स आप कैसे, बहुत सारे टैग्स आपको मिल जाएंगे। मैं इस पॉइंट को अभी यहाँ पे हम पोज करते हैं, इसके लिए मैं अभी डिटेल में बता देता हूँ आपको। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी कैटेगरी का आपका वीडियो है। तो ये हमारा हाउ टू का वीडियो है तो हम इसको हाउ टू रहने देंगे कि हाउ टू मेक वीडियोज़, हाउ टू अपलोड वीडियोज़, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम वापस आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा ये विजिबिलिटी पेंडिंग है, अब हमको वापस क्या करना है कि हमको टैग डालने हैं। तो टैग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट है दोस्तों, हम गूगल क्रोम पे जाएंगे तो कीवर्ड्स फॉर यू आप यहाँ पे डालेंगे गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे इस तरीके की वेबसाइट आपका ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको तीन डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे टूल्स पे जाना है हमको, टूल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे YouTube टैग जनरेटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एंटर योर नेक्स्ट YouTube वीडियो टाइटल और जनरेट टैग। तो यहाँ पे हमको क्या डालना है, टैग अपना टाइटल डाल देना है। टाइटल था हमारा हाउ टू, तो अपलोड वीडियो ऑन YouTube और जनरेट टैग पे क्लिक कर देना है हमको। दोस्तों आप देखेंगे कि रिलेटेड टैग जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सिंपली आपको कॉपी करना है। कॉपी जाके आपको YT स्टूडियो पे जाना है, या फिर आप इनको क्या कर सकते हैं, टैग्स को अपने फ़ोन में नोट पैड पे, जैसे नोट पैड सभी फ़ोन में आता है
तो नोटपैड पे आप इन सभी टैग्स को वहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप इनमें से जो भी आपके काम के टैग्स लगे, आपको जो भी सही लगे उनमें कुछ चेंजेस करना चाहें, आप इनको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक एक करके नहीं, कोमा हटा हटा के आपको करना होगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसको क्या करें, अपने फ़ोन पे जाके, नोटपैड पे जाके आप वहाँ से इनको कर सकते हैं। इस तरीके से आपके टैग जनरेट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा पब्लिक पे जाना है, बैक आके आपको सीधा यहाँ से पब्लिश कर देना है। आप इसको सेव करेंगे तो वीडियो आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, साथ में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो में दोस्तों कोई कमी रही हो या आप कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस पे और बेहतर काम कर सकें। थैंक यू दोस्तों।